लैंडफिल आग मामले में दिल्ली नगर निगम पर कार्रवाई हुई। केजरीवाल सरकार ने भलसवा में कूड़े के लैंडफिल में आग लगने के मामले पर कार्रवाई की और उत्तर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। 50 लाख रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश DPCC को दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मध्य प्रदेश के धार में एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे वहां रखा लाखों का सामान जल गया। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया। युद्ध से यूक्रेन में तबाही दिख रही है। FN से एक वीडियो सामने आया है। शहर में हजारों की तादाद में गाड़ियां जल गई है। बीते दिनों रूस की सेना ने इरपिन में कहर ढाया था। कई दिन तक शहर में रूसी सैनिकों ने जोरदार हमले किए और इसके बाद जिस तरीके की स्थिति सामने आई वो डरा देने वाली है। और ऐसे में लगातार अब पुतिन से गुजारिश करते हुए भी ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं कि इस महायुद्ध को रोक दिया जाए, क्योंकि हर एक शहर में तबाही का मंजर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर चीज तहस नहस हो चुकी है। और ये देखिए भारी तादाद में गाड़ियां किस तरीके से नष्ट हुई है रूस के हमलों में। और इस बीच रूस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि पोलैंड और बल्गेरिया की गैस सप्लाई बंद करना किसी भी तरह की गैस ब्लैकमेलिंग है। यह भी साफ हो गया है कि पुतिन की शर्तें ना मानने वाले यूरोप के देशों पर अगला एक्शन 15 मई के बाद होगा। मतलब ये कि यूरोप पर पुतिन के प्रहार की अगली तारीख भी तय है। गैस की सप्लाई इस वक्त यूक्रेन और रूस की जंग में सबसे बड़ा कूटनीतिक दाव बनी हुई है। पुतिन ने साबित कर दिया कि यूक्रेन की जंग में जो भी उनके साथ नहीं है उन्हें इसकी कीमत भुगतनी होगी। यूरोप की लाइफलाइन को ही पुतिन ने काटने की तैयारी कर ली है। एक्शन तो केवल बल्गेरिया और पोलैंड पर किया, लेकिन इसका असर पूरे यूरोप में हो रहा है। बल्कि यूरोप के बाहर भी जो देश रूस की गैस पर निर्भर है उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुतिन ने सीधा सिग्नल दिया है कि उनके साथ कारोबार केवल उनकी ही शर्तों पर होगा। जंग शुरू होने से पहले तक प्रतिबंधों की तलवार रूस के सामने लटकी थी। जंग छिड़ते ही प्रतिबंध लगा भी दिए गए, लेकिन उन प्रतिबंधों से लड़ रहे रूस के सामने अब प्रतिबंधों पर प्रहार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब ना तो उन्हें किसी का डर है और ना ही कोई संकोच। बल्कि जंग के शुरुआती दिनों में तो सोचा यह भी जा रहा था कि अगर रूस से यूरोप के देशों ने गैस खरीदनी भी बंद कर दी तो रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। लेकिन बल्गेरिया और पोलैंड की गैस सप्लाई काटकर पुतिन ने दिखा दिया है कि उनके पास गैस के खरीदारों की कमी नहीं है। क्योंकि पुतिन पहले से कूटनीतिक जंग की तैयारी में थे। रूस ने चीन और भारत के साथ कच्चे तेल की डील पहले से ही कर ली है। ऊर्जा से जुड़ी ये दोनों डील रूस के लिए बेहद अहम है, जबकि यूरोप की कमर तोड़ने वाली है। खबर है कि बल्गेरिया और पोलैंड पर पुतिन का एक्शन पूरे यूरोप की नींद उड़ाने वाला रहा। गैस के लिए रूस पर निर्भर देश अब यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ बोलने से भी घबरा रहे हैं। खबर है कि यूरोप की 4 तेल कंपनियां पहले ही रूस को रूबल में पेमेंट कर चुकी है। यूरोप की 10 तेल कंपनियां ऐसी हैं जो रूस के बैंकों में खाता खुलवा चुकी है, जिसके जरिए रूबल में गैस की पेमेंट की जा सके। यूरोप के कुल 23 देश ऐसे हैं जिन्हें रूस की नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है। पाइपलाइन पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में है और इनमें ज्यादातर देश नाटो के सदस्य हैं, और जो नाटो के सदस्य नहीं भी है उनकी भी जान गैस में ही अटकी है। 2 देश तो ऐसे हैं जहां 100% नेचुरल गैस रूस से ही पहुंचती है। इनका नाम है चेक गणराज्य और लात्विया। दोनों नाटो के सदस्य हैं और हर दिन पुतिन को कोसते हैं, लेकिन रूस की ही गैस पर पूरी तरह निर्भर है। हंगरी अपनी जरूरत की 95% गैस रूस से लेता है, जबकि स्लोवाकिया 85%। ये आंकड़े जंग छिड़ने से पहले तक के हैं। बल्गेरिया और पोलैंड की सप्लाई तो काटी जा चुकी है, लेकिन सप्लाई जब तक चल रही थी तब तक बल्गेरिया 75% और पोलैंड 54% गैस की सप्लाई रूस से ले रहा था। फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड ऐसा देश है जो अभी नाटो में नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि मई से वो नाटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। रूस बार बार इस पर एतराज जता रहा है। फिनलैंड अपनी जरूरत की 67% गैस रूस से लेता है, लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प खेल है जर्मनी का। जर्मनी यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। नाटो में भी और यूरोपियन यूनियन में भी जर्मनी का अच्छा खासा दबदबा है, जबकि जंग से पहले तक जर्मनी को रूस का भी दोस्त माना जाता था।
और खबर है कि जंग से पहले तक जर्मनी अपनी जरूरत की 66% गैस रूस से लेता था। जंग जब शुरू हुई तब भी नेचुरल गैस की 55% सप्लाई जर्मनी तक रूस से ही आ रही थी, और अब भी जर्मनी ने नेचुरल गैस का रूस से इंपोर्ट बंद नहीं किया है। हाँ, लेकिन दावा जरूर किया है कि ये साल खत्म होने तक रूस से गैस का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि गर्मियां खत्म होने से पहले रूस से गैस की खरीद आधी कर दी जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जंग छिड़ने के बाद तो जर्मनी ने रूस से गैस की खरीद और भी ज्यादा बढ़ा दी। अभी भी जर्मनी की गैस की खरीद काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। जर्मनी की कोशिश है कि वो अपने नेचुरल गैस के भंडार को पूरी तरह से भर ले। जर्मनी की इसी नीति को यूरोप में उसका डबल स्टैंडर्ड भी कहा जा रहा है। मतलब ये कि जिस वक्त ज़ेलेंस्की यूरोप का साथ मांग रहे थे, रूस से गैस की खरीद रोकने की अपील कर रहे थे, उस वक्त भी जर्मनी रूस की जेब भर रहा था। खबर है कि 24 अप्रैल की जंग के बाद से ही जर्मनी ने गैस के लिए रूस को 910 करोड़ यूरो यानी कि करीब 73,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, और यही वो पैसा है जो यूक्रेन की जंग के दौरान भी व्लादिमीर पुतिन की हर नीति को कामयाब बना रहा है। यही वो दाव है जो इस जंग में पुतिन की हर चाल को पूरी तरह सटीक बना रहा है। गैस पर पुतिन के गेम प्लान को पूरे यूरोप को बांट कर रख दिया है। जबकि यूरोपियन यूनियन की एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, यूक्रेन की जंग शुरू होते ही पहला बंटवारा ये हुआ कि यूरोप में कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य है और कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य नहीं है। दूसरा बंटवारा हुआ रूस के समर्थक और रूस के विरोधियों का। तीसरा बंटवारा हुआ रूस से गैस खरीदने वालों और रूस से गैस नहीं खरीदने वालों का। चौथा बंटवारा हुआ रूस की गैस के लिए रूबल में पैसे देने वालों का और रूबल में पेमेंट से इनकार करने वालों का। पांचवा बंटवारा हुआ रूस से गैस की सप्लाई कम करने और बढ़ाने वाले मुल्कों का। अभी भी ये बंटवारा कम नहीं हुआ। जर्मनी की तरफ यूरोप के देशों का बढ़ता हुआ अविश्वास पुतिन की बड़ी जीत है। खबर है कि यूरोप के कई देशों में गैस की बढ़ती कीमतें हाहाकार पैदा कर चुकी है। महंगाई की वजह से त्राहिमाम है। ऊपर से गैस की अगर किल्लत हो गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। कुछ देशों में तो राजनीतिक उठापटक का दौर भी केवल गैस की किल्लत के कारण शुरू हो चुका है।